हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन स्टॉक। गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मीबी डियो पॉड्स के 7 के डिटेल रिव्यू और अनबॉक्सिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कल मेरे पास डिलीवर्ड हो चुका था और जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं डिटेल रिव्यू करता हूँ, उसके बाद ही रिव्यू और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूँ। तो आइए आज के इस वीडियो में लोग ये डिस्कस करेंगे कि इसको लेना है यानी कि 999 रुपये में लेना वर्थ होगा, यानी जो फीचर बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन मिल रहा है वो 999 रुपये के लायक है, यानी सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो समझ में आएगी और अच्छी लगेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट कंपैरिजन और अनबॉक्सिंग की वीडियो लेके आते रहता हूँ। और आपके मन में कोई सवाल या डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो, वहाँ पर भी हम लोग बातें कर सकते हैं। तो आइए जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है बॉक्स मीवी डियो पॉड्स के 7 का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पॉड्स मैंने वहाँ पे निकाल के रखा है, क्योंकि जैसे ही आया था मैं इसको यूज़ करने लगा था तो इसी वजह से मैंने इसको ओपन कर दिया था, क्योंकि अनबॉक्सिंग भी मैंने किया था। पीछे के साइड में देखा जाए कुछ मेन हाईलाइटिंग फीचर जो है मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको ENC यानी कि डुअल माइक मिलने वाला है, 13 mm का ड्राइवर मिल जाएगा, ड्राइवर साइज यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, IPX4 हल्का फुल्का पानी पसीना बौछार वगैरह लगेगा चल जाएगा, लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया गया ब्लूटूथ वर्जन 5.3 और उसी के साथ साथ यहाँ पे टच पैड वगैरह देखने को मिल जाएंगे, प्रॉब्ली मेड इन इंडिया का, तो ये कुछ देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा, यूज़र मैनुअल गाइड और यहाँ पे एक कार्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा, तो ये नॉर्मल सा मिलने वाला है आपको। एक चार्जिंग केबल जो मिल जाएगा नॉर्मली जो आपको मिलता है वो टाइप सी और USB के साथ में, कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स मिल जाएंगे अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, तो ये सब नॉर्मल है तो अभी सभी मिलता है, तो कुछ नया नहीं आपको मिलने वाला है। सो फाइनली फ्रेंड्स, ये रहा हमारा डियो पॉड। सबसे पहले बात करें बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में, तो डिज़ाइन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा सर्कुलर शेप दिया गया और हल्का सा क्वाड कर दिया गया, पूरा यहाँ पे आपको सर्कुलर नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साइज़ देख लीजिए, आप लोग साइज़ थोड़ी सी बड़ी दी गई है, थोड़ा सा ये मोटा आपको मिलेगा, थोड़ा सा चिपटा नहीं है, मोटा दिया गया, तो यहाँ पे गोल मटोल टाइप का दिया गया है। और उसी के साथ में अगर बात करें इसके कलर और क्वालिटी के बारे में, तो ये आपको हार्ड प्लास्टिक जो है दी गई है, पॉलीकार्बोनेट है, लेकिन मेटेलिक फिनिश आपको मिल जाएगा ग्लॉसी लुक के साथ में। और अंदर क्या है कि कुछ टेक्स्चर बने हुए जैसे लगेगा कि यहाँ पे आपको सैंड दिया गया है या आप स्टार वगैरह बोल सकते हो, तो उस टाइप का आप लोग को लुक जो है देखने को मिलेगा। पीछे के साइड में यहाँ पे USB टाइप सी का सपोर्ट मिलेगा और आगे के साइड में यहाँ पे आपको चार्जिंग इंडिकेटर दिया गया है, तो ये मिलेगा और एक स्लॉट कटा हुआ है जिसको आप पॉड्स को ओपन करोगे, तो ओवरऑल यहाँ पे लुक ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे धब्बे वगैरह बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे शाइनिंग और ग्लॉसी लुक है, तो हाथ में आप पकड़ोगे तो यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा ये गंदा हो जा रहा है, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा यूज़ करोगे यहाँ पे तो धब्बे वगैरह आने वाले हैं। बाकी अब इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे ओपन करने के लिए ये स्लॉट बना हुआ है, तो इसको आप लोग ओपन करोगे तो ऐसा कुछ अंदर का आपको इंटीरियर लुक जो है देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इस बार क्या है कि इस यहाँ पे थोड़ा सा अंदर कलर जो है चेंज मिल रहा है, ये देखिए ब्लू कलर है और ऊपर ब्लैक कलर है, तो यहाँ पर मैंने देखा था जब पहली बार मैंने ओपन किया तो ये लुक जो है देखने को मिला मुझे। और इसको निकाल लेते हैं थोड़ा सा, तो ये मैंने निकाल लिया, अंदर का लुक आप लोग देख ही सकते हो कैसा है। यहाँ पर पिन वगैरह दिए गए हैं और यहाँ पर एक मतलब कि कुछ भी नहीं है, मैंने सोचा चार्जिंग इंडिकेटर लेकिन नहीं है, तो इसको रखते हैं फिलहाल साइड में अभी। और ये रहा हमारा यहाँ पे बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में बात करें तो इस बार क्या है कि इन्होंने इसके स्टीम की डिज़ाइन को चेंज कर दिया है, ये आप लोग देख सकते हो। नॉर्मल जो आपको F70, 60, 50, 40 था उसकी स्टीम और इसकी स्टीम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। अंदर थोड़ा सा इन्होंने क्या है कि बेंड कर दिया है और थोड़ा सा मतलब कि गोल कर दिया है, तो इस बार स्टीम की डिज़ाइन आपको अलग मिलेगी। बाकी हेड जो है आपको सेम मिलेगा, वही हेड यूज़ किया है उन्होंने जो नॉर्मल सभी आपको बर्ड्स में मिल रहे थे। और यहाँ पे बर्ड्स को डुअल माइक मिलेगा, एक माइक इसमें और एक माइक इसमें, और उसी के साथ साथ यहाँ पे चार्जिंग पिन, ये रबर का बर्ड्स, और यहाँ पे लुक वगैरह देख ही सकते हो। टच पैड यहीं पे दिया गया है, गाने को पॉज, प्ले, फॉरवर्ड, रिवर्स, कॉल को रिसीव और डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, और IPX4 हल्का फुल्का पानी पसीना बौछार वगैरह लग जाता है तो चल जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें इसके लेटेंसी के बारे में, तो 50 mm की लेटेंसी दी गई, अभी मैं दिखा दूंगा टेस्ट करके, और माइक को भी टेस्ट करके मैं दिखा दूंगा, और 30 mm का ड्राइवर जो है दिया गया। तो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे इस बार इसके स्टीम के कलर को भी इन्होंने चेंज किया है, ऊपर जो है ब्लू कलर का शाइनिंग टेक्स्चर दिया गया और यहाँ पे ब्लैक कलर, तो थोड़ा सा अच्छा आपको लुक जो है इस बार देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी क्या है कि मैं छत पे आ चुका हूँ अपने और माइक को टेस्ट करने के लिए, और जो आवाज़ आप लोग सुन रहे हो ये अभी इसी माइक से यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डुअल माइक है, तो यहाँ पे मैं इसी माइक को यूज़ कर रहा हूँ टेस्ट करने के लिए। छत पे यहाँ पे हवा भी चल रही है, दोपहर का टाइम है, और यहाँ पे रोड भी है, तो रोड पे गाड़ी वगैरह भी जा रही है, क्योंकि ENC है तो साउंड क्वालिटी और आवाज़ जो है आपको ऐसे ही सुनाई देने वाली है। जो आपको आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है वो इसी माइक से यूज़ हो रही है, तो साउंड क्वालिटी और यहाँ पे जब कॉलिंग वगैरह बात करोगे ऐसी ही आवाज़ आपको सुनाई देगी। बाकी ये बैटरी बैकअप को देखा जाए तो मैंने इसको यूज़ किया था कल से,
तो टोटल जो है 50 आवर का है, तो आराम से 40 आवर चल जा रहा है केस और इसको लेके, दोनों मिला के 40 घंटे चल जा रहा है, 40 से 42 घंटे। लेकिन अगर सिर्फ बर्ड्स के बारे में बात करें तो इसको अगर आप फुल चार्ज करते हो 100%, तो ये आराम से 5 से 6 घंटे चल जा रहा है। और गेमिंग करोगे तो 2 घंटे चल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं चल रहा है, 2 से 2.5 घंटे चल रहा है बस, मतलब कि उससे ज़्यादा नहीं चल रहा है। तो गेमिंग करोगे तो ज़्यादा नहीं चलेगा, म्यूज़िक सुनोगे तो थोड़ा बहुत चल जाएगा 5 से 6 घंटे, और टोटल दोनों मिला के 40 घंटे का बैकअप मिल रहा है। और उसी के साथ साथ चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग नहीं यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ पे आराम से ये 45 से 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। तो ये कुछ रहा, बाकी तो आप लोगों ने देख ही लिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों ने अनबॉक्सिंग और यहाँ पे सब कुछ मैंने टेस्ट करके दिखा दिया। अब कंक्लूजन ये निकालते हैं कि 999 रुपये में आपको लेना चाहिए नहीं। तो सिंपल मैं बोलूंगा कि अगर आप लेना चाहते हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेस्ट निकल कर आ जाता है, क्योंकि इसमें आपको 13 mm का ड्राइवर जो है मिल रहा है, तो साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी अच्छी मिल रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग जब लिए होंगे, किसी किसी में आया होगा कि एक पॉट जो है काम नहीं कर रहा था, तो आप इसको टैप करोगे 3 बार और होल्ड किए रहोगे तो ऑन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो है मैंने भी फेस किया था, तो मुझे लगा बर्ड्स खराब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो ऑन करोगे तो पावर ऑन हो जाएगा, तब यहाँ पे बजेगा। तो ये डाउट आप क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पे साउंड क्वालिटी और माइक क्वालिटी को भी मैंने टेस्ट किया, तो माइक तो आप लोग यहाँ पे सुन ही चुके हो कि आवाज़ कैसी आएगी, तो माइक भी अच्छी खासी है। और लेटेंसी 50 ms की लेटेंसी दी गई है, तो लैगिंग की प्रॉब्लम बहुत कम देखने को मिल जाएगी। थोड़ा बहुत लैगिंग है तो हल्का फुल्का गेमिंग कर सकते हो। और बैटरी बैकअप इसमें देखा जाए तो कंपनी ने 50 घंटे का बैकअप जो है दिया गया, और मैंने यूज़ भी किया तो 50 घंटे नहीं चल रहा है, 42 से 45 घंटे चल रहा है। और यहाँ पे सिर्फ इसको यूज़ करोगे तो म्यूजिक सिर्फ सुनोगे या कॉलिंग वगैरह पे बात करोगे तो यहाँ पे आराम से ये 5 से 6 घंटे चल जा रहा है 7 घंटे तक। लेकिन अगर आप गेमिंग खेलोगे तो 1 से 2 घंटे चल रहा है, क्योंकि गेमिंग में बहुत ज्यादा जल्दी मतलब कि उतर जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम इसमें आएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो म्यूजिक और हल्की फुल्की गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। और डिजाइन इस बार इन्होंने इसका क्या है कि बर्ड्स का थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो काफी अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे ये देख सकते हो, ये F30 था, तो उसी डिजाइन में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उसका और ये, मतलब कि दोनों का बर्ड्स अराउंड सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंदर में कर्व कर दिया गया, तो ये डिजाइन इन्होंने चेंज किया है। तो ओवरऑल देखा जाए यही बर्ड्स है, F30 वाला थोड़ा सा डिजाइन को चेंज कर दिया गया। तो लेना चाहते हो तो ले सकते हो, म्यूजिक और कॉलिंग साथ साथ में हल्का फुल्की गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बेस्ट निकल कर आ जाता है। बाकी आपके मन में कोई सवाल या डाउट होगा आप जरूर पूछ सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, वहां पे भी हम लोग बातें करते रहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट नोटिफिकेशन बॉक्स टेक के साथ में, तब के लिए जय हिंद।